अभी अगर आप रात में चल रहे हो और दिन में कोई मुर्दा जला रखा है रोड के साथ में ही, तो वही रात में अगर आप वहां से निकल रहे हो, चाहे गाड़ी में भी हो, फिर भी यार थोड़ा बहुत डर तो लगता ही है। तो अभी देखते हैं क्या होता है इसके बाद। अरे 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 अरे, ये है भाई अपनी स्टिंग, ये है गाड़ी। गाड़ी करते हैं स्टार्ट भाई। पूरे देखो स्टीम जम रखी है इसको। ये हुआ भाई साफ। तो भाई सामने से अभी आ रही है एक स्कॉर्पियो, तो इसको पास दे देते हैं। तो भाई सीधे मुंह पे ही आ रहा है सीधे चल के। तो यार फ्रेंड्स यहाँ देखो अपनी गाड़ी अभी पूरी भाई इतनी लोड है। ये जो बॉडी है भाई गाड़ी की, बॉडी से एक एक क्रेट ऊपर लगी है भाई, दो क्रेट ऊपर लगी है, तो पूरी 110 क्रेट आई है गाड़ी में। देखो भाई बहुत ज़्यादा लोड है। तो अभी मैं हूँ भाई रास्ते पे हूँ भाई, इतनी मस्त जगह में हूँ ना, अभी क्या ही बताऊँ आपको। अब व्यू देखो यार यहाँ से, क्या मस्त व्यू आ रहा है भाई। पूरी वो नदी है भाई, वो देखो ये पूरी, ये जो रोड दिख रही है ना आपको, ये मेन रोड यहाँ से नीचे वाली, तो भाई ये रोड जाती है हमारी शिमला, शिमला चंडीगढ़ दिल्ली भाई यही रोड है। ये लोकल गांव की रोड है इधर, ये मेन रोड है नीचे वाली भाई। और ये नीचे भाई बड़े बड़े खेत बने हुए, इसमें आलू वगैरह उगा रखे हैं। और यहाँ देखो आप मैं किस पॉइंट पे हूँ, तो भाई अभी जो सेब है वो वहाँ टॉप में जो पहाड़ी है उसके पीछे से लेके आया हूँ मैं। ये अभी मैं आधे रास्ते में पहुंचा हूँ, तो अभी भाई काफ़ी दूर जाना है। तो भाई ये जगह है अपने गांव से बहुत दूर दिखती है ये वाली जगह है, तो भाई काफ़ी दूर बगीचा है यार यहाँ से, जो सेब लाना पड़ता है यहाँ से। आप लोकेशन देखो भाई, लोकेशन बहुत ज़्यादा मस्त है। तो भाई ये है अपने, और ये है अपनी धन्नो भाई। देखो ये भाई मैंने नई झंडियाँ लगवाई इसमें ऊपर दो भाई, बहुत मस्त लहराती है हवा में ये। आप देखो अभी अपनी गाड़ी बिल्कुल ओके है, साफ कर रखी है मैंने, धो रखी थी, तो भाई कीचड़ थोड़ा बहुत लगा है, ज़्यादा कीचड़ तो नहीं लगा है। और इधर से भी यार ग्रीस वगैरह गाड़ी छोड़ रही है, गर्म हो रखी है भाई बहुत ज़्यादा, गाड़ी ग्रीस वगैरह भी छोड़ रही है। चलो देखते हैं, थोड़ा बहुत और काम होगा इसका, वो भी करवाएंगे। अभी टायर वगैरह भी अपने ठीक है, गर्म हो रखी है भाई उतराई में, कंटिन्यू उतराई है ना। यहाँ देखो आप पीछे से भाई क्रेटे इतनी हाइट तक लगी हुई है। ओ भाई अपनी गाड़ी की बैक लाइट ऑन ही है। तो भाई आज अपने दो या तीन चक्कर लगने हैं, तो पहला चक्कर तो मैं लेके आ गया हूँ। देखो पूरी गाड़ी लेके आया था, तो भाई अभी अपनी अनलोडिंग जो है चालू हो गई है, तो अभी इसके बाद गाड़ी लोड करवाऊँगा और फिर से जाना है। तो अभी अपनी गाड़ी देखो यार लोड हो रही है, खाली क्रेटे है, तो अभी गाड़ी लोड हो जाएगी और अभी तुरंत सीधे ही फिर से निकलना है। तो फ्रेंड्स यार अभी दिन में मैं सोचा था कि जैसे गाड़ी अपनी खाली हो जाएगी उसके बाद मैं सीधे घर जाऊंगा और भाई ब्रेकफास्ट करूंगा। तो भाई सुबह का 7 बजे का मैं घर से निकला हूँ, तो सुबह भूख नहीं होती ना यार, तो सुबह मैंने कुछ भी नहीं, मतलब चाय पी थी सिर्फ, और वैसे ही घर से निकल गया। तो मैं सोचा था कि अभी टाइम से घर पे पहुंच के 11:30 बजे तक भाई अपना ब्रेकफास्ट हो जाएगा, थोड़ा रेस्ट हो जाएगा, वीडियो अपलोड करनी थी एक, तो काम थोड़ा गड़बड़ हो गया है। जितनी सुबह में, मतलब इससे पहले जो क्रेटे हम ले गए थे, तो भाई वो पूरी फुल हो चुकी है और वहाँ पे अभी क्रेटों की शॉर्टेज हो गई है। तो अभी फिलहाल फिर से जा रहा हूँ डायरेक्ट, तो भाई अभी ब्रेकफास्ट भी नहीं किया और यार अभी भूख भी लग रही है, तो अभी देखता हूँ रास्ते में अगर कुछ मिलेगा ढाबा होटल वगैरह तो वहीं देखते हैं, थोड़ा बहुत कुछ खाने का मिल जाएगा, मिलेगा तो सही है, नहीं तो बिस्किट वगैरह से ही काम चलाना पड़ेगा फिलहाल। तो देखते हैं यार अभी क्या होता है। तो देखो यार कई बार ऐसा होता है कि भाई खाना भी नसीब नहीं होता काम के चक्कर से। तो यार फ्रेंड्स यहाँ देखो एक गाय है, तो यार ये तड़प रही है या क्या हो गया भाई इसको। और भाई दो यहाँ पे ये छोटे छोटे बच्चू हैं, तो भाई ये इसको वो कर रहे हैं, क्या हो गया इसको यार। भाई पानी भी नहीं है मेरे पे, पानी होता तो भाई उसको शायद प्यास लग रही है यार, अब पानी कहाँ से लाऊं।
भाई पानी, रुको करते हैं इंतजाम कुछ। नहीं भाई सही है गाय, इसको कुछ नहीं हो रखा। भाई मुझे बैल से डर लग रहा है, लेकिन ये सही है, इसको भाई थोड़ी सी धूप लग रही थी बस, बाकी ये सही है। भाई मैं तो एकदम से डर गया था यार, कहीं गाय क्या हो रहा है इसको। तो गाइस यार अभी मैं फाइनली बगीचे के आसपास पहुंचने वाला हूँ। यार तबीयत से खराब हो रही है, सिर दर्द हो रहा है हल्का सा। तो भाई रास्ते में जब आया था लंच करने के लिए रुका, तो यार मैंने मतलब हाफ दाल चावल खाया था। तो यार वो पता नहीं कल का था कब का था, एक तो आज संडे है ना यार, तो आज शायद बनाया नहीं होगा। तो भाई उससे मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग हो रही है, एसिडिटी टाइप की हो रही है, सिर दर्द शुरू हो गया है। तो भाई फूड पॉइजनिंग हो सकती है। तो भाई फाइनली अभी अपनी जगह पहुंच गए हैं, और देखो यार धूप कितनी ज्यादा हो रही है। सुबह में आया था तो ठंड हो रही थी, और कल भी इस वक्त यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड हो रही थी यार। तो अभी देखो अपने लिए क्रेटे भी आ चुकी है रोड पे देखो, और बस अब गाड़ी वाली क्रेट उतारना है और ये वाला क्रेट चढ़ाना है। तो भाई अभी अपनी गाड़ी से जो खाली क्रेटे उतार के अभी भरी हुई क्रेटे लोड हो रही है। तो आप देखो मौसम कितना अच्छा है यार आज, कल बहुत तेज़ बारिश हो रही थी तो भाई रोंगटे खड़े हो गए थे भाई, सर दर्द शुरू हो गई थी रात में ठंड की वजह से। तो अभी अपनी गाड़ी लोड हो रही है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे देखो। तो मतलब जो दो लाइनें हैं गाड़ी में वो लोड हो चुकी है, ये दो लाइनें, अभी दो लाइनें इसके पीछे और लोड होगी, पूरी 110 क्रेटे लोड होंगी। तो आज तो ये पहाड़ी भी बहुत ज़्यादा अच्छी दिखाई दे रही है देखो आप धूप में। और ये क्रेटे हैं भाई, अभी मैं लेके आया था खाली क्रेटे अपनी गाड़ी में, तो अभी तो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है गाड़ी में, थोड़ी सी ही लगती है यार ये। सो गाइस यार अभी दिन के 3 बज चुके हैं भाई, सुबह 7 बजे से कंटिन्यू मैं इन्हीं रोडों पे आ रहा जा रहा भाई। तो भाई बहुत बोर हो गया हूँ, होता है ना यार एक ही रोड पे बार बार चलो तो यार दिमाग खराब हो जाता है। तो भाई लास्ट चक्कर है, मैंने तो बता दिया कि भाई इसके बाद मुझसे तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि अभी देखो 3 बज चुके हैं, तो वहां पे पहुंचते पहुंचते 5 बज जाएंगे। तो भाई अगर फिर से आना पड़ा तो यहाँ पहुंचते टाइम लगभग 7:30 से 8 बज जाएंगे। तो यार दिक्कत हो जाती है ना, अब 8 बजे के बाद कब आना, कब लोड करके फिर वापिस जाओ, रात को 12 बज जाएंगे घर पहुंचते पहुंचते। तो यार वो सही नहीं है। तो ये मेरा लास्ट चक्कर है, तो अभी चलते हैं। सो गाइस यार अभी फाइनली पहुंचा हूँ घर पे, घर पे क्या मतलब अपने जहाँ पार्किंग है वहां पहुंचा हूँ। तो यार दिक्कत ऐसी हो गई थी कि भाई रास्ते में आते हुए गाड़ी के एक साइड लेफ्ट वाले जो टायर है आगे का, तो भाई उसमें से धुआं निकलने लग गया। तो भाई मतलब जो लगातार डाउन है उसकी वजह से बहुत ज्यादा ब्रेक अप्लाई कर दिए थे, तो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई है। तो भाई किस्मत अच्छी है कि भाई जो डिस्क है उसमें आग नहीं लगी। तो अभी कल सुबह मैं जाऊंगा पहले मैकेनिक के, फिर वहां पे जाके दिखाऊंगा कि भाई प्रॉब्लम क्या है, या तो डिस्क चेंज करनी पड़ेगी या लग जाएगा पता वहां जाके। तो भाई आज बाल बाल बचा हूँ, तो उसके बाद भाई इतना ज्यादा दिमाग मतलब डिस्टर्ब हो गया दिमाग कि भाई वीडियो बनाना ही मैंने छोड़ दिया। तो अभी यहाँ आके मैंने सोचा वीडियो बनाइए तो भाई एंड तो करना ही पड़ेगा। तो फिलहाल घर पे अभी पहुंच चुका हूँ, अब इसके बाद जाके नहाना धोना एकदम से मतलब फ्रेश हो जाऊंगा। तो अगर आपको आज का व्लॉग कैसा लगा है भाई, अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो यार सब्सक्राइब आप जरूर से कर ले चैनल को।